तो मैक्रोस के बाद अब मैं अपने एडवांस एक्सेल के नेक्स्ट चैप्टर जो कि फॉर्मूला ऑडिटिंग है, यहाँ फॉर्मूला ऑडिटिंग मैंने यहाँ पर मेंशन किया और फॉर्मूला ऑडिटिंग पे क्लिक करता हूँ और एक शीट निकल के आती है। इसमें एक शीट मैंने यहाँ पर डिफाइन की है फॉर्मूला ऑडिटिंग। आप फॉर्मूला ऑडिट मीन्स कि हमारी इस शीट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं और कौन कौन से कॉलम इन्वॉल्व हैं, वो चीजें फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर आती हैं। कैसे आती हैं, ये एक शीट दिया है सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसका प्राइस, इसका क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10 अमाउंट आ गया। टैक्स है मेरा 5%, तो अमाउंट के ऊपर मैंने 5% यहाँ पर टैक्स ले लिया। ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलम हमने तो यहाँ पर लगा दिया, लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कोई शीट आता है और मुझे फॉर्मूले को बारे में पता करना, जैसे अगर ये शीट किसी और ने बनाई है, मुझे नहीं पता कि कौन से, बहुत सारे मल्टी, एक मैसी डाटा होता है, मैसी डाटा में अलग अलग फॉर्मूले लगे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है और कौन कौन से फॉर्मूले में कौन कौन से कॉलम इन्वॉल्व है। और अगर मुझे वो फॉर्मूला जानना है, मुझे पता करना है कि वो फॉर्मूला कौन सा है और कौन से कॉलम इन्वॉल्व है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट भी करो या नहीं करो। आप ये देखिए कि यहाँ पर ऊपर ये फॉर्मूला पे यहाँ पर क्लिक आते हैं और यहाँ पर देखिए शो फॉर्मूला, ये एक राइट साइड में अगर मैं शो फॉर्मूला कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी, देखिए अभी क्या है कि ये एक ब्लू कलर, यहाँ रेड कलर और ये है ब्लू कलर और ये है रेड कलर, तो मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन होता है, राइट। और ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, E4 यानी E4 ये और गुना ये वाला जो कॉलम सेल है ये यहाँ डिफाइन किया। देखिए कलर भी कलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डिफाइन होता है। मैं यहाँ से शो फॉर्मूला अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको ये आइडिया होगा कि मैंने, अब चलो ठीक है, उन्होंने ये बताया कि मैंने यहाँ पर एक और तरीका है फॉर्मूले को लेके आने का, यहाँ शो फॉर्मूला मैंने किया। अब एक ये चीज है कि मैंने मल्टीप्लाई, अभी शो फॉर्मूले से कई बार नहीं पता लगता कि फॉर्मूला मल्टी, आपके पास डेटा होता है बहुत मैसी डेटा होता है कई बार, तो आपको नहीं पता लगता। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट्स हैं और यहाँ ट्रेस डिपेंडेंट्स हैं, रिमूव एरोज, यहाँ पर मैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि ये 1400 जो है वो किनको किनको करके, यानी ये वाले सेल को और ये वाले सेल को मल्टीप्लाई किया तब 1400 आया, राइट। मैं फिर से दोबारा से करता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट के अंदर, अब मैं रिमूव करता हूँ, मैं 70 यहाँ पर सेल पे जाता हूँ, फिर से मैं ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ, तो आप देखिए कि ये 1400 को ये परसेंट में ये 70 आ गया। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूले को जानने के लिए आपको कुछ आइडिया भी कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉलम को किस से मल्टीप्लाई किया है, किस से परसेंटेज निकाला है, क्या फॉर्मूला यूज किया है। अब मैंने यहाँ ट्रेस प्रेसिडेंट यूज किया, मैंने डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से, ये 1400 कैसे आया। अगर पीछे से फॉर्मूला यूज होता है तो आपको सारा वे आउट बता देगा कि फॉर्मूला कहाँ से यूज हुआ है। अब मुझे यहाँ पर ये डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर रिमूव एरे कर दूंगा, राइट। मैं फिर से 87 पे क्लिक करता हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट करता हूँ, राइट, ट्रेस प्रेसिडेंट फिर से दोबारा क्लिक करता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहला कौन सा फॉर्मूला कहाँ से है, कौन कौन से कॉलम यूज किए हैं, कौन कौन से रो यूज किए हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन होता है। और शो फॉर्मूले में आपको वो फॉर्मूला जो उन्होंने टाइप किया है वो वहां पर शो करेगा, राइट। यहां मैं रिमूव कर देता हूं। अब एक क्या क्या ट्रेस डिपेंडेंस, राइट, मैं यहां पर राम पे यहां पर क्लिक करता हूं, मैं ट्रेस डिपेंड यहां कर देता हूं। अब देखिए कि ट्रेस प्राइस को यहां पर ये वाला जो सेल है वो यहाँ यूज हुआ, यानी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मैं फिर से क्लिक करता हूं, अब देखिए ये वाला अमाउंट जो है फिर यहां पर, क्योंकि ये वाले कॉलम के सेल का वैल्यू यूज किया है, इसको कहते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट, यानी आगे जाने वाला वो पीछे आने वाला, यानी ट्रेस प्रिसिडेंट जो प्री पहले जो वैल्यूज हैं और डिपेंडेंस जो बाद की चीजें आती हैं, तो ये दोनों जो है फॉर्मूले यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो शो फॉर्मूले से आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा, राइट। ट्रेस प्रिसिडेंट से आपको, मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, ट्रेस प्रेसिडेंट से आपको मैं बाहर कर देता हूँ और प्रेसिडेंट में करता हूँ, तो आपको वो चीजें नहीं शो करेगा, आपका कॉलम और कर्सर जो है वो ऊपर टेबल पे होना चाहिए। ट्रेस प्रेसिडेंट पे आ गया, राइट, ट्रेस प्रेसिडेंट फिर से नहीं होगा क्योंकि मेरा जो सेल है वो यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ रिमूव वगैरह कर देता हूँ ट्रेस प्रेसिडेंट, तो मेरा पीछे लेके जाएगा, राइट। मैं रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ट्रेस डिपेंडेंस, तो ये आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये है एक फॉर्मूला जो हम लोग फॉर्मूला ऑडिटिंग में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, ये एक फॉर्मूला एविलेट फॉर्मूला जो है यहाँ पर, एक एविलेट फॉर्मूला जो है यहाँ पर डिफाइन किया है। आपको ये 23 कैसे आएगा, कैसे पता लगेगा,
कि कौन सी डिजिट्स को पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया, कौन कौन से, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज किया। अब मैंने यहां पर क्लिक किया, मैं इवेल्युएट फॉर्मूले में आ गया यहां पर, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑडिटिंग में इवेल्युएशन जो है वो एज इट इज दिया है। अब मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, राइट, क्लोज इवेल्युएट फॉर्मूला, राइट। यहां पर देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है कि पहले हमने इवेल्युएट यानी 8 to 16 या 16 आ गया, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, राइट। अब इसने क्या किया कि 8 को 4 से डिवाइड कर दिया और यहां पर फिर नेक्स्ट यहां पर इवेल्युएट करा यानी 23। हमारा जो फॉर्मूले का आंसर है वो कैसे आया, ये एक तरीका है फॉर्मूले का रिजल्ट्स को जानने का कि फर्स्ट मल्टीप्लाई देन एडिशंस किया, फिर उसने डिवाइड किया, देन सब्ट्रैक्ट किया। तो ये एक तरीका है कंप्यूटर उस तरीके को कैसे लेता है, और अमूमन जो मैथ है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, जो भी पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर आपका एडिशन होता है, देन डिवाइड होता है, देन लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक 23 यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला ऑडिटिंग से ही हम लोग पता चल सकता है कि हमारा फॉर्मूला कौन सा है, कौन से रो, कौन से कॉलम, कौन से सेल इन्वॉल्व है। मुझे फॉर्मूला पता करना है तो मैं फॉर्मूला ऑडिटिंग में यहाँ पर पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑडिटिंग का एक नया चैप्टर और मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मैं यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला ऑडिटिंग यहाँ हो गया क्लियर। नेक्स्ट मैं इसी के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ एक डिफाइन नेम के नाम से, डिफाइन मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, डिफाइन नेम पे आते हैं। मैंने एक शीट यहाँ पर ली हुई है, राइट, जिसमें मुझे रेंज के नेम डिफाइन करने हैं, मैं उसको एडिट कैसे करना है, मुझे डिलीट कैसे करना है, मुझे रीनेम कैसे करना है, मुझे वर्कबुक का रेंज कैसे सिलेक्ट करना है, और वो सब चीजें पहले इंडिविजुअल कैसे करना है और पूरा टेबल को कैसे करना है। देखिए, मुझे अगर एम्प्लॉय नेम यहाँ पर लेके आना है तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, राइट। आप ये देखें कि डी प्रदीप चौधरी D5, ये D5 नेम है या D5 नेम आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर स्पेस यूज नहीं होता। देखिए, एंटर, यू मस्ट एंटर ए वैलिड रेफरेंस नंबर, नहीं होगा। अगर मैं यहां पर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम यहां डिफाइन करता हूं तो आपका नेम यहां पर डिफाइन हो जाएगा, राइट। अब यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पर मैंने कुछ और शीट्स भी, कुछ और रोज रेंज यहां डिफाइन किए। मैं यहां पर एनपीआर को क्लिक करता हूं तो मेरा ये देखिए कि ये मेरा एनपीआर है। मैं फिर से जाता हूं यहां पर पीएमटी क्लिक करता हूं तो मेरा पीएमटी का टेबल यहां डिफाइन करते हैं। यहां मैं फिर से जाता हूं एम्प्लॉय नेम पे आता हूं तो मेरा ये एम्प्लॉय नेम यहां पर डिफाइन होता है। अब क्या करना है मुझे, अगर मुझे यहां पर ये जो नेम है मुझे नेम चेंज करना है तो मैं कहां पर जाऊंगा, यहां फॉर्मूला में जाएंगे और यहां एक नेम मैनेजर है, इसको क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन आएगा जिसमें मेरी सारी की सारी जो टीम, जो रेंज मैंने डिफाइन की हुई थी, जो नेम मैंने डिफाइन किए थे वो सारे शो करते हैं। ये एक मेरा एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। यहाँ मैं इसको एडिट करता हूँ तो मैं इसको एम्प्लॉय नेम कैसे कर सकता हूँ, एम्प्लॉय और अंडरस्कोर, राइट, इसको ओके कर देता हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर हो गया, क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर एनपीआर डिफाइन किए, फिर यहाँ पर मैं ये देखिए एम्प्लॉय नेम आ गया। तो मेरा ये एक नेम क्रिएट हुआ, नेम को एडिट किया, नेम डिलीट कैसे होगा, नेम डिलीट फिर से हम लोग मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर डिलीट, ओके ये डिलीट हो गया, राइट। अब मुझे यहाँ पर नेम न्यू कैसे क्रिएट करना है, राइट, प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी मुझे नेम नहीं करना है यहाँ पर मैंने करना है एम्प्लॉय नेम, राइट, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, राइट, क्लोज कर देता हूँ। और आप ये देखें कि मेरा FV डिफाइन करता हूँ, राइट, FV के बाद फिर EMP, ये मेरा यहाँ पर आ गया। अब मुझे सैलरी में भी लेके आना है, मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ये F5 और यहाँ पर SALARY सैलरी यहाँ पर एंटर कर दीजिए तो यहाँ पर सैलरी भी क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय नेम, राइट, और यहाँ पर सैलरी नेम यहाँ पर आ गया। मुझे डेजिग्नेशन डिफाइन करना है तो यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल दीजिए, ठीक है, डेजिग्नेशन डल गया। मुझे बोनस डिफाइन करना है, मुझे बोनस यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए आप, राइट। देखिए मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन किया, डेजिग्नेशन आ गया, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम किया, एम्प्लॉय नेम आ गया, या मैंने यहाँ पर सैलरी किया तो सैलरी आ गया। इस टेबल में मैंने इंडिविजुअल रेंज को डिफाइन किया, इंडिविजुअल रेंज को, नेम को मैंने एडिट किया, क्रिएट किया नया, डिलीट भी मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे टाइम अगर मेरे पास टाइम कम है और मुझे पूरा टेबल का टेबल मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट, मैं यहां पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं डाल देता हूं स्टूडेंट,
स्टूडेंट डेटा, राइट, ओके करता हूं और मैं यहां पर फिर से एक डेजिग्नेशन को क्लिक करता हूं, राइट, मैं यहां पर स्टूडेंट डेटा को कलेक्ट कर लेता हूं, तो ये मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं पीछे एनपीआर डिफाइन कर रहा था, ये मेरे पूरे टेबल को डिफाइन कर रहा है। देखिए ये एनपीआर, यहां पे क्लिक करता हूं, ये पूरा टेबल यहां पर, मैं एफबी पे यहां पे क्लिक करता हूं, तो मेरा ये एफबी पूरा टेबल यहां डिफाइन कर लेगा। यहां मैं स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करता हूं, तो मेरा ये पूरा का पूरा टेबल जो है डिफाइन कर लिया। इस नेम डिफाइन नेम के अंदर देखिए यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है, क्रिएट नेम रेंज भी डिफाइन की है, रीनेम किया है उसको, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस भी कर दिया। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मींस अगर मुझे यहां पर न्यू करना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन यानी यहां पर रेफर मुझे करके, अगर ये प्रदीप चौधरी ना करके मुझे यहां डेजिग्नेशन पे लेके आना है, तो यहां पर सीधा डेजिग टू ओके कर दूं, तो यहां डेजिग टू हो गया क्रिएट, राइट, डेजिग टू। देखिए अब क्या करना है कि मुझे अगर दो टेबल डिफाइन करने हैं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, न्यू पे आ गया, टू ईएमपी एट द रेट डीजी डेजिग, राइट, ओके कर देता हूं और यहां क्लोज कर देता हूं। आप यहां पर जाइए, यहां पर एम्प्लॉई नेम, ठीक है, यहां पर सैलरी और यहां पर डेजिग टू, यहां पर एम्प्लॉई डेजिग, राइट, ये दोनों यहां पर सिलेक्ट हो गए। तो ये एक तरीका है जो हम लोगों को, हम लोग नेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज अभी मैंने आपको एक मैक्रोज ऑलरेडी डिफाइन किया, फॉर्मूला ऑडिटिंग मैंने आपको क्लियर किया है, और अभी मैं आपको डिफाइन नेम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल तरीके से। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं करूंगा वो इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन, दोनों एक ही एग्जांपल से क्रिएट होंगे और एक ही टेबल पे मैं लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट जब हम लोग प्लान करेंगे तो उस टाइम, अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।